कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कुछ भी करना कठिन नहीं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नाहन शहर के रहने वाले 85 वर्षीय एस एस शर्मा ने। दरअसल हिमाचल प्रदेश मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन द्वारा कृषि विश्वविद्यालय नौणी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर नाहन शहर के 85 वर्षीय एस एस शर्मा ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीत कर एक मिसाल कायम की है। एस एस शर्मा ने शॉर्ट पुट, जेवलियन थ्रो व डिस्कस थ्रो में भाग लेकर गोल्ड मेडल हासिल किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 4 साल पहले उन्होंने शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पहले भी राज्य स्तरीय पर गोल्ड मेडल जीता था, मगर यह पहला मौका था जब उन्होंने डिस्कस थ्रो और जेवलियन थ्रो में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार प्रतियोगिता के लिए उन्होंने नाहन में प्रैक्टिस और उन्हें इसमें कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में वह सबसे ज्यादा आयु वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने आयोजकों को भी बधाई दी और कहा कि वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते उन्हें इस दौरान पूरा मान सम्मान दिया गया, जिसके लिए वह आयोजकों का शुक्रिया अदा करते हैं। कल्चरल यूनिवर्सिटी नौणी में 20-21 नवंबर को यह आयोजन किया गया था, जिसमें सभी प्रकार के खेल थे, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और दूसरे गेम भी। पिछले 4 साल पहले मैंने शॉर्ट पुट में पार्ट लिया था, जो स्टेट की थी, उसमें गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद नेशनल में सिल्वर मेडल मिला था मुझे। उसके बाद 2 साल बीच में बंद रहा कोरोना की वजह से। इस साल इन्होंने 4था इवेंट किया है, जिसमें मैंने शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में हिस्सा लिया। इसकी तैयारी मैंने नाहन में ही अपने चम्मा ग्राउंड में की थी। मेरे कोच विजय यादव थे, जिन्होंने मुझे सिखाया था। इससे पहले जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो मैंने नहीं किया था, लेकिन शॉर्ट पुट में यंग एज में जब था तब करता था, लेकिन उस समय गाइड या कोच नहीं होते थे। 17 साल की उम्र में किया, उसके बाद 80 साल की उम्र में शुरू किया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक था। आप सोलन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें 3 गोल्ड मेडल मिले मुझे, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो। इसके अलावा पूरे हिमाचल से 85 एज ग्रुप में कोई भी दूसरा प्रतियोगी मुझे नहीं मिला, जिस कारण आयोजकों ने पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव मेरे को मानकर उन्होंने कहा कि ये एक उदाहरण है जो 85 साल की एज में ग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं, और ये नौजवानों के लिए प्रेरणा है। मुझे खेल के मैदान से मंच पर बुलाया। ओपनिंग में डीसी सोलन कृतिका कुल्हाड़ी जी आई हुई थी, और मंच पर बुलाकर उनके साथ बिठाया, मुझे पूरा सम्मान दिया। सम्मान के लिए अलग से मुझे अवार्ड ऑफ गेस्ट, ऑनर ऑफ गेस्ट मिला। बड़े खुशी की बात है कि हमारे जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न भी है एस एस शर्मा जी, उन्होंने जो है ये HPC मास्टर्स गेम्स में 3 गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ये तो उससे जो है हमारे पूरे हाउसिंग बोर्ड में और पूरे नाहन में, सिरमौर में बड़ी खुशी की लहर है कि 85 ईयर्स की ग्रुप में जो है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल सिरमौर को दिलाए हैं, और बहुत फिटनेस इनकी रहती है 85 साल की उम्र में भी, और पिछले कोविड से पहले भी इन्होंने जो है 1 गोल्ड मेडल लिया था उसमें शॉर्ट फुट में, और इस बार इन्होंने शॉर्ट फुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो 3 में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हाउसिंग बोर्ड एसोसिएशन प्रेसिडेंट के नाते कि इस तरह से जो है सारे जो यूथ है उनको भी नशे और इन चीज़ों से दूर रह करके
इस उम्र तक जो है अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए जो है ये गेम्स में भाग लेना चाहिए और इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये हमारे आदर्श हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग भी इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे।